बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए हारे के सहारे की प्रेमियों, आप लोग बाबा के लिए आए हो, बाबा से प्यार करते हो और बाबा के भजनों से प्यार करते हो, इसलिए आए हो। आज ठंड भी काफी है, फिर भी आप यहां पर बैठे हो। इसी के ऊपर ये भजन अभी अभी मुझे मिला हमारे देवली के सोनू भैया आदित्य मोदी जी ने। ये भजन शायद आज के ही, ये जो यात्रा चल रही है, कहां कहां से लोग आ रहे हैं, कहां कहां से लोग कीर्तनों में जुड़ रहे हैं, शायद इसलिए ये भजन लिखा गया। आपको लगे कि आपके ऊपर सूट करता है, जरूर गाइएगा। जब तक ये सांस चले दरबार में आएंगे, बोलो। जब तक ये सांस चले दरबार में आएंगे, जब तक है जुबां मुख में तेरा नाम ही गाएंगे, जब तक है जुबां मुख में तेरा नाम ही गाएंगे। ये दो काम हम करेंगे बाबा आपकी इजाजत से, और बाकी हमारे सारे काम आप करोगे, है ना? कौन कौन मानता है इस बात को? हाथ मत उठाना भले, लेकिन मिलकर तालियां बजाकर एक साथ में बोलेंगे, जब तक ये सांस चले जब तक है जुबां
और हाथ रखा सर पे। है ऐसा हुआ बाबा के दरबार से, तालियां बजाओ। तुम सा साहूकार प्रभु कहीं और न पाएंगे, तुम सा साहूकार प्रभु कहीं और न पाएंगे। जब तक नैया में डूबोगे रे, कर तू
रास्ता आसान कर दोगे, हमें गलत रास्ते से सही रास्ते पर ला दोगे। तालियां बजाऊंगा। मुश्किल से पता है, अगर पहले हाथ पकड़ा है तो आज भी पकड़ेगा, बस विश्वास रहना चाहिए। मुश्किल भी रास्ता आसान किया, अब छोड़ तेरा रास्ता कहीं और न जाए। कहीं और न जाएंगे, जब तक
मैं हूँ तेरा श्याम प्रभु, किसको किसको लगता है कि आप श्याम के हो? मोदी जी को, सोनू भैया को बहुत बहुत थैंक्स बोलता हूं कि उन्होंने जो भाव लिखे सचमुच में। अभी तो जिंदगी में दो ही काम रह गया, 60 दिन आज होने को आए, 60 दिन के अंदर में सुबह उठकर चलना, भजन सुनते सुनते चलना, और आकर कितना ही दर्द क्यों ना हो इसके दरबार में खड़े हो जाना सारा दर्द खत्म कर देता है, और इसके दरबार में बाबा को भजन सुनाना। पचास साल की जिंदगी में बाबा झूठ नहीं कहता, मेरी 50 साल की जिंदगी में ये 60 दिन सबसे स्वर्णिम दिन है बाबा, इनसे बढ़िया दिन नजर नहीं आया। आपको भी मैं एक वादा, एक विश्वास दिलाता हूं, नियम से रोज बाबा को एक भजन सुना दिया करो, फॉर्मेलिटी के तौर पर नहीं, ये नहीं कि संजय मित्तल ने बोला इसलिए सुनाऊं, मेरे कष्ट कट जाएंगे इसलिए सुनाऊं, नहीं, अपने पिता को हम सुना रहे हैं एक भजन,
बाबा इसी से खुश होता है प्रेमी, बाबा इसी से खुश होता है। भजन से जितना मानता है ना बाबा, कितना ही रूठा हुआ होगा, कितना ही रूठा हुआ होगा। एक बच्चा उसके दादाजी है, पिताजी नाराज है, काम नहीं, दादाजी के पास जाकर चार बार बोलोगे ना दादाजी दादाजी, और प्यार से अगर दो लाइन कुछ भी अगर दादाजी को सुना दोगे ना तो दादाजी भी मान जाते हैं ना, वैसे ही हमारा बाबा है। एक भजन रोज सुनाया करो दिल से, किसी भी समय सारे संकट सारी तकलीफें सारे झंझट दूर कर देगा बाबा। जहां बाबा का भजन होता है वहां श्याम प्रभु तो आते ही हैं, बालाजी महाराज को भी साथ में लेकर आते हैं। आइए प्रेमियों, तेरे ही भरोसे बाबा। देखो भाई, अभी एक प्रेमी गाड़ी लेकर आया, गाड़ी बाबा ने दी, सीधा खाटू के लिए चल पड़े कि गाड़ी बाबा ने दी है, पहले बाबा के धूप लगाएंगे फिर गाड़ी चलाएंगे। फिर फागुन के मेले में फिर जाएंगे, है ना, मेले में फिर जाएंगे ना। अब कोई सौदागर होता तो सोचता कि क्या है, 15 दिन बाद तो फिर मेले में जाना ही है, गाड़ी कौन सी 15 दिन में पुरानी हो जाएगी, उस समय ले जाएंगे। लेकिन नहीं, इस गाड़ी में एक बूंद डीजल या पेट्रोल जो डलेगा ना वो भी इसकी कृपा से डलेगा, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, इसने दी है, पहले इसको लाके बाबा ये गाड़ी आपने दी है, कृपा कर दी आपने, बस कृपा रखना बाबा ये चलती रहे, ये चार चक्का गाड़ी भी चलती रहे, ये दो चक्का गाड़ी भी चलती रहे, है ना। ऐसे लोग क्या कहते हैं बाबा के पास जाकर, तेरे ही भरोसे बाबा मेरा परिवार था, मेरा परिवार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तेरे ही भरोसे बाबा मेरा परिवार था, मेरा परिवार था, आज भी है और कल भी रहेगा, तेरे ही भरोसे पालनहारा, तू ही दातार था, मेरा तो पालनहारा।
2 घंटे हाथ उठा कर रहता है आपके लिए। आप 2 घंटे के अंदर में हाथ नहीं उठा सकते, ये भी क्या बोलोगे? ये जो तालियां बजवाते हैं अपने लिए नहीं, इसके दरबार में बैठकर इसके लिए कुछ भी करोगे ये देखता है, ये भी देख रहा है ठंड के अंदर में। कोई 50 किलोमीटर से आया है, कोई 100 से आया है, कोई 200 से आया है, जब दुनिया सो रही है ये मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं। ये भी खड़ा होगा आपके लिए और आपके लिए ऐसा काम करेगा कि दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगा। हर वक्त मेरा तुमने कन्हैया साथ निभाया है, बोलो जब दी आवाज तुम्हें पहले भी इतना तुम पर मेरा अधिकार था, पहले भी इतना तुम पर मेरा अधिकार था, आज भी है और कल भी है, तेरे ही भरोसे बाबा मेरा परिवार, बन जाता अपनों को नाम सुहाता, मैं उन पे बोझ बन जाता, ये आता है शाम मेरा आता है, आके मुझे गले लगाता है, ये आता है शाम मेरा आता है, आके मुझे गले लगाता। और कैसे जीवन की ये बगिया मेरे श्याम नहीं है खिलाई, जीवन की ये बगिया मेरे श्याम नहीं है खिलाई, हर सुख दुख में मुझको
पड़ता ये ही दिखाई, हर सुख दुख में मुझको पड़ता ये ही दिखाई। और क्या होता है, दुख द्वार खड़ा रह जाता, सुख बढ़ चर साथ निभाता, दुख द्वार खड़ा रह जाता, सुख बढ़ चढ़ साथ निभाता, मेरा श्याम खड़ा मुस्काता, मैं झूम झूम कर गाता, मेरा श्याम खड़ा मुस्काता, मैं झूम झूम कर गाता। ये आता है श्याम मेरा आता है, आके मुझे गले लगाता है, आता है श्याम मेरा आता है, आके मुझे गले लगाता है। जिसको जिसको गले लगाया हाथ उठाओ। मन की बाता सांवरिए ले, तू सुना कर देख ले, मन की बाता सांवरिए ले, तू सुना कर देख ले। खाटू वालों शाम सुने गो, खाटू वालों शाम सुने गो, तू भी सुना कर देख ले, मन की बाता सांवरिए ले, तू सुना कर देख ले, मन की बाता सांवरिए ले। किसी दिन बहुत परेशान होना, रात को जब घर में सब सो जाए, तब नहा धोकर उसके सामने बैठ जाना, इसकी ज्योत जगा लेना और इसको भजन सुनाने लग जाना। इसकी नींद उड़ जाएगी, उठकर बैठ जाएगा और विश्वास दिलाता है काम बनाना पड़ेगा इसको। अपने दिल की बात इससे कहना कि देख बाबा, दुनिया भरी पूरी है, रिश्तेदार भी बहुत है, लेकिन काम के कोई नहीं। डर लगता है अपनी बात कहने से, तुझको कह रहा हूं वो भी जब सब सो गए तब कह रहा हूं, कहीं कोई सुन ना ले और मजाक नहीं बना दे। करके देखना प्रेमियों, जवाब मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। जागो जागो प्रभु अब तो जागो, हेलो हेलो, जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए, जागो जागो प्रभु अब तो जागो, सेवक तुमको जगाने हैं आए, जागो जागो प्रभु अब तो जागो, तुमको जगाने आए, देखो नजरों को, देखो देखो नजर को उठाकर, देखो देखो नजर को उठाकर, हाल अपने
आवाज देता रहा हूँ, तुम तक पहुँची नहीं क्या ओ बाबा। पहुंची नहीं क्या ओ बाबा, हो तुम तक पहुंची नहीं क्या ओ बाबा। हाथ उठाओ ना, कब तक बैठोगे तुम यूं ही निष्ठुर, कब तक बैठोगे तुम यूं ही निष्ठुर, तुमको माइक में नहीं बोलूंगा, ये दो लाइन पूरी ताकत लगा कर गाना। तेरे ही भरोसे बाबा, तेरा परिवार का, तेरा परिवार का, आज भी है और कल भी रहेगा। तेरा ही सहारा मुझको, तेरा ही सहारा मुझको, तेरा ही आधार था, तेरा ही आधार था, भरोसे। बोल साचे, किशनगढ़ से कुछ प्रेमी आए, इन्होंने कहा कि भैया ये भजन की चार लाइनें सुना दीजिए। हमारे सूरत से भी एक प्रेमी आए हुए, आइए पहले किशनगढ़ के प्रेमियों के लिए चार लाइन बाबा के श्री चरणों में, और उसके बाद आखिरी समापन हमारे सूरत के राजा भैया की एक विशेष फरमाइश है, उसके साथ करेंगे। बस बोलो श्याम प्यारे की जय, बुलारे के सारे की जय, आशीष के दानी की जय, Yeah.
भैया जा रहे हो? डगमग डोली जाए बिन माझी पतवार के इसको तू ही पार लगा बाबा ये नैया।
से बड़ा उठाओ ना हाथ। किसी को मत शेयर किया करो, ताली बजाना। ये बच्चा ठीक है, तीन बाण तरकस में तेरे चले तो ना रुक पाए। प्रेमियों, आइए परम आदरणीय पुरुषोत्तम भाई साहब एक बार खड़े हो। हमारे कला भवन की नींव की ईंट है और देखो एक बात बताऊं, मैं सबसे पहले तो बाबा को छुआओ, ठीक है? पहले बाबा को मैं तो कहता हूं और हमारे भाई साहब को गुरु जी को ये तो यार कांग्रेस बीजेपी वाला काम कर दिया, ये तो नेताओं वाली बात कर दी। बोल खाटू नरेश की जय, बोल सांगे नरेश की जय, बोल चिंतादारी की जय, बोल कलयुग के अवतार की जय। देखो सब बैठ जाओ, सब बैठ जाइए। बैठ जाइए। देखो अब ये काम ठीक नहीं है। हाँ, ये दो भजन और होंगे। देखो सब बैठ जाओ, मैनपुरी वालों बैठ जाओ बेटा, 10 मिनट लगेगा। एक श्याम जी का भजन और उसके बाद में बालाजी के मोड़ पर, बालाजी के दरवाजे पर खड़े हैं बिना हनुमान जी महाराज को भजन सुनाए जाएंगे तो श्याम बाबा को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इसलिए बालाजी के चरणों में एक भेंट लगाकर, एक भेंट चढ़ाकर जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को दूर दूर जाना है, लेकिन इतनी दूर आ गए हो, 10 मिनट में क्या बीत जाएगा, है ना? आइए।
में जाए। ओ शाम प्यारे की जय। प्रेमी ने गाया, बाबा ये नैया कैसे डगमग डोली जाए। आंटी जी बाबा ने जवाब दिया, मंदिर मस्जिद ढूंढे ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के गलियारे में, पल पल तेरे साथ हो जाऊंगा, या तो फिर तूने मुझे पिता माना ही नहीं, सिर्फ दिखावा के लिए आता है और कहता है बाबा तू मेरा है। अगर तूने मुझे पिता माना है ना तो सुन लेना, तुझे जन्म देने वाले पिता ने जब तूने कभी कोई फरमाइश की होगी उससे, और वो रात को घर आते समय तेरी फरमाइश का सामान लेकर नहीं आ पाया होगा, तेरी आंखों में आंसू आए होंगे, वो तेरे बगल में सोया होगा लेकिन करवट बदल कर उसकी आंख में कभी झांक कर देखते उसकी आंख में भी जरूर आंसू होंगे कि आज मेरा बेटा रो लिया। वैसे ही अगर मुझे पिता माना है ना तो तुझे इतना बता दूं, तेरी आंख में आंसू बाद में आता है, पहले मेरी आंखों में आता है। जब दुख में हो बेटा तो पाप भी रोता
फल तेरे जो पहुंचा पहली बार दिल को लुभाया ये दरबार जो पहुंचा पहली बार दिल को लुभाया ये दरबार भूख से दिल में उठने लगी शाम से हो गया मुझको प्यार भूख से दिल में उठने लगी शाम से हो गया मुझको ऐसी लगी लगन पर भी संतोष करता है ये सोचकर संतोष करता है कि अरे पगले कल 56 भोग खाता था आज समय खराब आ गया रूखी रोटी मिल रही है लेकिन शायद रूखी रोटी मिल रही है वो भी बाबा की कृपा से मिल रही है क्या पता मेरा समय और खराब होता दो चार दिन महीने में रोज फाका करना पड़ता उससे तो अच्छा है कि मुझे रूखी रोटी मिल रही है बाबा की कृपा से और ये समझकर जो हंसता है ना और इसका गुणगान करता है प्रेमियों कसम से खाटू वाला उसके दरवाजे पर खड़ा होता है दरवाजे पर खड़ा होता है दुख में भी सुख की जो अनुभूति करता है भक्त उसकी हंसी देखकर ये भूल जाता है कि मुझे कहीं और भी जाना है इसको और खुश करना है और कहीं और जाकर मोर्चा संभालना है उसके दुख में भी सुख को देकर
भगवान सब कुछ भूल जाते हैं, पर भगवान सोचता है ये नजारा करोड़ों अरबों में एक जनों एक दो जो लोगों के पास मिलता है, पता नहीं और कहीं देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ी देर और देख लेंगे। और हम सोचते हैं कि हम दुख में परेशान है और ये बांसुरी बजा रहे हैं। नहीं प्रेम, दुख में भी खुश रहो, सांवरा बांसुरी नहीं बजाएगा, सिर पर हाथ फिराता नजर आएगा, खाली हो जाएगा। संघर्ष संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, बोलो संघर्ष है जीवन, संघर्ष किए जा तू, सुख दुख तो पहलू है मस्ती में जिए जा तू, सुख दुख तो पहलू है मस्ती में जिए जा तू, क्यों हारता ऐसे
सच्चे दरबार की। बालाजी के दरवाजे पर खड़े हैं। कई वर्षों तक बालाजी के दरबार में नहीं आए। बहुत से लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी है कि बालाजी के जाएंगे संकट लग जाएगा, भूत प्रेत लग जाएंगे। उन मूर्खों को पता नहीं है दुनिया के सारे ऐसे संकट इस सांचे दरबार के अंदर में यहां पर छूट जाते हैं। ऐसी जयकार बालाजी की। बाल बालाजी महाराज की। तो आइए मेहंदीपुर बालाजी धाम और इस दरबार के बारे में क्या कहते हैं। ओ मेहंदीपुर के बाला, ओ लाल लंगोटे वाला, बोलो के बाला, ओ लाल लंगोटे वाला, जब अपने पर आ जाए, जब अपने पर आ जाए, मार मार के मोटा सोटा भूतर प्रेत भगा। दर्शन से मिट जाती देखो सब बाधाएं, देखो सब बाधाएं, दूर दूर से कष्ट मिटाने खातिर दुनिया आए, दूर दूर से कष्ट मिटाने खातिर दुनिया आए, हाँ आए। सिंदूरी चोले Thank you.
जहां तलक तेरी महिमा गाऊं पार न कोई पाया। बालाजी महाराज की। आइए प्रेमियों, आज इस पड़ाव की व्यवस्था श्री श्याम सखा सेवा समिति महुआ। देखिए क्या कितना कॉम्बिनेशन है कि कल भी खंडेलवाल में हम लोग महुआ में ही थे, कल एक मंडल ने वहाँ पर पड़ाव की व्यवस्था करी और इन लोगों के भाव ऐसे थे कि हमें भी बाबा के स्वागत में बाबा की व्यवस्था करनी है। इन्होंने आज वहाँ से बल्कि 21 किलोमीटर चलकर श्री श्याम सखा सेवा समिति, आज आपने जो
यहाँ पर ये दरबार लगाया या अखाड़ा लगाया, बाबा का जो स्वागत किया, इसके लिए हम आभार नहीं प्रकट करेंगे, क्योंकि आभार प्रकट करके आपके भाव को छोटा नहीं करना चाहेंगे। आपका तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं और इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूँ। इसी क्रम में मैं अशोक जी टिबड़ेवाल से निवेदन करूंगा कि वो कृपया बाबा का एक शॉल और श्याम कला भवन का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। श्री श्याम सखा सेवा समिति हाँ मंडल में ना आइए शॉल पहले शॉल एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और आपने इतनी देर अपने बाबा को भजन सुनाए, एक ही निवेदन करूंगा मैं, बाबा की आरती हो रही है, बिना आरती किए नहीं जाएं, क्योंकि एग्जाम दे दिया, रिजल्ट दिए बिना नहीं जाएंगे आप। बहुत बहुत आभार। सभी बैठकर आरती करेंगे, 5 मिनट लगेगा। Thank you.
मंगल खुशबू की माला सिर पर मुकुट धरे, ओ बाबा सिर पर मुकुट धरे, हे बत धूप अग्नि पर, हे बत धूप अग्नि पर दीपक ज्योत जले, रखियो उनकी लाज, दंड दुनारो देश
दृश्य है आटू नगर सुजान अनुपम जग से शाम की दर्शन से कल्याण शाम शाम तो मैं रटूं शाम है जीवन दान शाम भक्त जग में बड़े उनको करूं प्रणाम आटू नगर के बीच में बनो आपको धाम फागुन शुक्ला मेला भरे जय जय बाबा श्याम फागुन शुक्ला त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मैं तो पसर पसर गुरु जी महाराज की बोले पितर जी महाराज की बोले सियावर रामचंद्र भगवान की बोले बालाजी महाराज की बोले बाबा भूतनाथ की बोले राज रानी अंबे महारानी की बोले श्री वृंदावन।